अधीनस्थ चयन बोर्ड, बच्चे परीक्षा देते थे, रात दिन मेहनत करते थे और सोचते थे कि हमें एक सरकारी रोजगार मिलेगा। और हुआ क्या, इनकी छत्तर छाया में भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। भाजपा की सरकार के उस समय के जितने भी सरकार के सदस्य थे, मंत्रिमंडल के सदस्य, आग मूंद करके बैठेंगे, पेपर बेचेंगे। लोग हमारे पास आए, कहा कि मैं मेरिट में टॉप किया हूं, मैं सिलेक्ट नहीं हो सका, मुझे ऐसी सूचना मिली है कि 1 लाख रुपया और 5 लाख रुपया पेपर को बेच दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक नहीं आया, कई लोग आए। अब जो गांव का बच्चा या शहर का बच्चा पढ़ लिख कर मेहनत करता है और वो पढ़ने लिखने के बाद मेरिट वाला भी होता है और सिलेक्ट नहीं होता, तो आप बताइए हमें क्या करना चाहिए था। भ्रष्टाचार बड़े इसमें जिसमें पेपर बेचे जाते थे, उस अधीनस्थ चयन आयोग को हमने भंग किया। ये एक हमारी सरकार की कार्यशैली और पारदर्शिता और ईमानदारी को निभाता है। आपकी जो सरकार की जो करतूत थी, जहां पेपर बेचे जाते थे और जहां पेपरों की नीलामी की जाती थी, जो अधिकारी उसमें पाए गए जेल की सलाखों के बीच बेचे,